माननीय श्री शमशेर सिंह जी, माननीय शमशेर सिंह जी, लोकसभा से। जी जी, लोकसभा से बोलें कृपया। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आज सुबह जिस प्रकार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा बहुत सारी चीज़ों के बारे में यानी कि उन्होंने गिनाया कि किस प्रकार अपना देश जो है वह प्रगति पर है, उनका भाषण समाप्त होने के बाद जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 जहां पे लाया गया और सर्वप्रथम आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी जो मेरे बड़े भाई हैं जम्मू कश्मीर से आते हैं, उनका यानी के बोलना प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो किसी प्रकार के भी विकास के नाम की कोई चीज वहां पे नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल में जिस प्रकार पूरे देशभर में हमारी केंद्र सरकार ने कितनी यानी कि योजनाएं जो हैं वो प्रारंभ की हैं और प्रारंभ करने के बाद उसको कैसे इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु शायद उन्हें दिखता नहीं, लगता नहीं। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि बटोर से लेकर बनाल तक 30 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे जन के सड़कें बंद हो जाती हैं, वहाँ जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट क्यों नहीं किया कि बरसात का मौसम, पहाड़ी क्षेत्र और उस पहाड़ी क्षेत्र में यानी कि बर्फ गिरने की वजह से जब बर्फ पिघलती है तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होती है। ये आज से नहीं, 47 से नहीं, ये परंपरागत जब से रहा होगा वो क्षेत्र हमेशा उस प्रकार के लैंडस्लाइड्स होती होंगी, वो रास्ते बंद होते होंगे, गाड़ियां नहीं चल पाती होंगी। तो इसलिए एक चीज को लेकर बोलना और केवल मात्र वो चीज बोलना जो चीज जो है वो उचित नहीं है। और दूसरी में ये बोलना चाहूंगा कि किस प्रकार की आज जम्मू कश्मीर में यानी के विकास के लिए हमारा काम इतना तीव्र गति से यानी कि आगे बढ़ रहा है, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं रहा होगा। मैं सबसे प्रथम कहना चाहूँगा कि जहाँ पे 3-3 एम्स दिए गए हों, जम्मू में यानी कि अलग से एम, कश्मीर में अलग से एम, अब लद्दाख जान के दूसरी ड्यूटी बन गई है तो लद्दाख में तीसरा एम्स, यानी कि कई स्थानों पे एक एक एम्स नहीं मिलता होगा और वहाँ पे यानी कि 3-3 एम्स, IIIT वहाँ मिली, IIM यानी कि वहाँ पे बन रहा है और जिस प्रकार के वहाँ पे हर प्रकार का निर्माण, मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर के इर्द गिर्द एक रिंग रोड बन रही है, उस रिंग रोड को बनाने के लिए यानी कि कितनी व्यवस्था चाहिए, जो हमारे रोड्स जो हैं वो आजाद साहब के समय जब मुख्यमंत्री होते थे तो सिंगल लेन होते थे, आज उनको यानी कि वो डबल लेन या 4 लेन याद नहीं आ रहे, देख नहीं रहे कि विकास हो रहा या नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों के लिए जितने भी जन के वक्ता यहाँ पे बोल रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक बार जम्मू में आकर देखने का प्रयास तो करें कि जम्मू आज यानी कि कितना आगे बढ़ चुका है। MSME के माध्यम से उन्होंने गिनाया कि 12,000 से ज़्यादा यानी कि हमारे उद्योग थे, आज उन उद्योगों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है हैंडीक्राफ्ट्स के माध्यम से, चाहे कालीन बनता होगा, चाहे अखरोट की लकड़ी का काम होता होगा,
चाहे दूसरे कार्य होते होंगे, वो सारे के सारे छोटे छोटे लघु उद्योग जिस प्रकार से पनप रहे हैं, मैं कहता हूँ केंद्र सरकार से मैं निवेदन करूँगा, आदरणीय हमारे यानी कि गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि इस लघु उद्योग को बढ़ाने के लिए और प्रयास करें, ताकि जम्मू कश्मीर हमारा और पनप सके, वहाँ रोजगार के साधन और मिल सकें। जिस प्रकार के उनको रोजगार के साधन मिलेंगे तो हमारा यानी कि प्रदेश यानी कि तरक्की कर सकता है। इसलिए इसको यानी कि कहा गया कि वहाँ पे इतने सारे सारे काम करने के उपरांत जिस प्रकार के सरकारी तंत्र है, जिस प्रकार के हमारे आईएएस ऑफिसर हैं, जिस प्रकार के आईपीएस ऑफिसर हैं, बहुत कम मात्रा में हैं। अगर ज़्यादा काम करने होंगे तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इसको अगर इन ऑफिसरों को यानी कि जैसे मिजोरम, उत्तरांचल, बाकी क्षेत्रों के साथ यानी कि ड्यूटी के साथ मिलाकर वहाँ से यानी कि और ऑफिसर वहाँ पे लगाए जाएं, लाए जाएं, तो हमारा काम और तीव्र गति से बढ़ सकता है। अन्यथा अगर हमारे पास छोटा सा समय रहेगा, आदमी यानी कि ऑफिसर कम रहेंगे, तो ये काम अवधि में नहीं हो सकता। जैसे हम जानते हैं कि पुल का यानी कि पुंछ की ओर रेल का निर्माण करवाना, आज यानी कि रेल के निर्माण करवाने के लिए वहाँ पे जिस प्रकार के लोग चाहिए, जिस प्रकार के कार्यकर्ता चाहिए, जिस प्रकार के ऑफिसर चाहिए, वो नहीं है। इसी प्रकार के फोर लेन बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नहीं है। जिस प्रकार के डैम्स यानी कि पावर सेक्टर में बोला गया या साहब बोल रहे थे, मैं उनसे निवेदन करूँगा आग्रहपूर्वक कि भाई साहब मुझे बता दीजिए, आप मुख्यमंत्री थे तो उस समय हमारे पास पावर कितनी थी और आज हमारे पास कितने प्रोजेक्ट और लगे हैं, जो पावर 3 गुना बढ़ चुकी है जम्मू कश्मीर में। ये सारा कार्य कैसे होगा? इन कार्य को बढ़ाने के लिए यानी कि वहाँ पे ऑफिसर चाहिए, मैक्सिमम यानी कि ऑफिसर हमारे पास अगर होंगे तो हम सारे कार्य कर सकते हैं। अन्यथा करने के यानी कि कौन करेगा, कि कौन संभालेगा, कौन देख रेख करेगा, कौन लुक आफ्टर करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में लुक आफ्टर करने के लिए ऑफिसरों की ज़रूरत रहती है। तो इसलिए 4-5 ड्यूटीज़ को मिलाकर उन ऑफिसरों को लोग वहाँ पे तैनात किए जाए, ताकि हमारा काम और आगे बढ़ सके। एक जन के अपने बंधु बोल रहे थे मेरे, उन्होंने मैं उनके साथ समर्थन करता हूँ कि जम्मू में KAS और KPS के लोग जो हैं उनकी प्रमोशन इनके 50% पहले हुआ करती थी, आज वहाँ पे उनको 33% पर रखा गया है। मैं कहूँगा उनका 33% से छोड़कर 50% ही रखा जाए, ताकि उन लोगों को भी बढ़ावा मिले, हमें काम करने का मौका और भी मिल सकता है। इसलिए मेरे बंधुओं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस प्रकार पंचायती राज सिस्टम के पहले मैं पूछना चाहूँगा कि धारा 370 समाप्त होने के पहले पंचायत के चुनाव पिछले यानी कि 70 वर्षों में कितनी बार जम्मू कश्मीर में हुए? हर यानी कि प्रदेश में 5 साल के बाद पंचायत के चुनाव होते होंगे, जम्मू कश्मीर में केवल मात्र 4 बार चुनाव हुए हैं, 4 बार। बीच में कार्यकाल होता ही नहीं था, पंचायती राज सिस्टम था ही नहीं। यानी कि बीडीसी यानी कि वहाँ पर कोई बनता ही नहीं था, वो यानी कि प्रावधान ही था। हम कई बार कहते थे 73rd और 74th अमेंडमेंट को लाया जाए, वहाँ पे लगाने के बाद यानी कि हमारा काम तेज गति से बढ़ सकता है। पहली बार यानी कि जैसे संघ प्रिय गौतम जी हमारे बोल रहे थे कि DDC के चुनाव में ये गए हुए थे, वहाँ पे पहली बार प्रथम बार यानी कि आज DDC का चुनाव हुआ है। यानी कि सारा काम किसी यानी कि अपने लोगों द्वारा जो स्वयं कर सके, अगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड जो बनता है, अगर बोर्ड वो अपनी तैयारी करे अपने जिले का निर्माण करने के लिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी सड़क बननी चाहिए, कहाँ पे पानी का यानी कि कुआं चाहिए, कहाँ पे यानी कि हैंडपम्प चाहिए, वो यानी कि छोटा जो डेवलपमेंट बोर्ड होता है वो अगर बनाने का प्रयास करे, और यानी कि DDC के माध्यम जो मेम्बर्स होते हैं वो बताएंगे। पहले क्या होता था, वहाँ का यानी कि जो मंत्री होता था वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन हुआ करता था, और उसको क्या पता
वो कहाँ से आया हुआ है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का, जिनके मंत्री जो है, मंत्री जिनके एक कोने से है दूसरे कोने के बारे में उसको नॉलेज नहीं, वहाँ पे जिनके जरूरत है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, उन्होंने ऑलरेडी खाका तैयार करके रखा होता था, इसलिए उस खाके को अगर पहले ही तैयार कर लिया, किसी से पूछा नहीं, तो वो तो डिक्टेटरशिप हो जाती थी। इसलिए वो डिक्टेटरशिप को छोड़कर सबकी सहानुभूति लेकर इसको आगे बढ़ने का करने का हम प्रयास करें। इसलिए इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किसने किया, वो भारतीय जनता पार्टी और आज की ये केंद्र सरकार द्वारा धारा 370 को समाप्त करने के उपरांत इसको चलाने का प्रयास किया है। हम कई बार कह चुके हैं, कई चीज़ें होती हैं जिसके बारे में अवश्य मैं बोलना चाहूँगा कि मैं जिस प्रकार ले डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि सबसे ज़्यादा इस समय निर्माण अगर कहाँ हो रहा है तो ले में हो रहा है। सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे जिस प्रकार का पैसा जा रहा है, आगे जो पैसा जाता था, मैं एक बात अवश्य रखना चाहूँगा, पहले भी रखा मैंने, कि आज तक जम्मू कश्मीर की अपनी आय बिल्कुल नहीं थी, वो केवल के केवल केंद्र पर आश्रित होते थे। केंद्र यानी कि हमें क्या देगा, कितना देगा, उस पर हम आश्रित सारे रहते थे। अगर आज उनको कुछ मिलता था तो उसमें से केवल मात्र कितना प्रतिशत, बहुत कम प्रतिशत लद्दाख को मिलता था, बहुत कम प्रतिशत यानी कि जम्मू को मिलता था, और सबसे ज़्यादा कश्मीर को, वैली को मिलता था। लेकिन उसके बाद भी आज कश्मीर जिस प्रकार से अपना होना चाहिए, जिस प्रकार की बात वहाँ पनपनी चाहिए, जिस प्रकार की इंडस्ट्री वहाँ पे होनी चाहिए, MSME की इनके सेक्टर बढ़ना चाहिए, वो क्यों नहीं बढ़ पाया। हर जन के सर्दियों में 6 महीने बर्फ़ पड़ती है, लोग अपने घरों में रहते हैं, घर में जन के चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा जलाने के बाद उनके पास कोई काम नहीं होता, तो वो घर में बैठ कर कलीन और बना सकते थे। जन के शाल, जन के दुशाले, पश्मीने का शायद आप जानते होंगे, जो लाख लाख दो दो लाख रुपये का बिकता है, एक एक साल जिनके लगता है उसको बनाने का, तो वो वहाँ पे उस प्रकार निर्माण वहाँ करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्माण करवाने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसका कारण मैं जानता नहीं चाहता। इसलिए अयाज साहब जिनके बड़े जिनके सीना ठोक कर कह रहे थे कि हमें ये करना चाहिए, वहाँ वहाँ करना चाहिए, ये मुझे लगता नहीं ड्यूटी के बजाय, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी ऑफिसर जिनके जम्मू कश्मीर में भेजे जाए, बाकी स्टेटों के साथ जिनके विलय किया जाए, ताकि वहाँ का निर्माण, वहाँ का कार्य, वहाँ की गति, जिस गति से जिनके हमें चलना पड़ेगा, हम उस गति से चलकर जम्मू कश्मीर का नया निर्माण करवा सकते हैं। आज टूरिस्ट सेक्टर देख लीजिए, टूरिस्ट सेक्टर में जिस प्रकार से लोग जम्मू कश्मीर को देखने को जा रहे हैं, जैसे जाना चाहते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से जिनके जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, कोई हर्डल नहीं है। आज से 3 साल पहले क्या हम जा सकते थे, हम डरते थे कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, ना जाने के जन के वहाँ के गोली हमारे सीने में लगेगी, हो सकता है, इस प्रकार का भी डर वहाँ बैठा हुआ था। इस बार गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर में लाखों के हिसाब जन के पर्यटक गए होंगे, अगर पूरे के पूरे होटल देखे जाएँ तो सारे के सारे पैक हुए थे, वहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इतनी बड़ी लोग गए हुए थे। वो क्यों हुए, क्योंकि आज शांति वहाँ पे बन रही है। दूसरा, सीमा क्षेत्र में जिस प्रकार से यानी कि हमने बॉर्डर का, रोड्स का निर्माण किया, जहाँ आर्मी हमारी आराम से जब वहाँ पर जा सकती है, यानी कि दिन प्रतिदिन पाकिस्तान तो षड्यंत्र करता ही है, लेकिन उसको रोकने के लिए सबसे प्रथम है कि रोड्स ठीक प्रकार से चलें, ताकि हमारे अम्यूनिशन के जिनके सारी चीज़ें जो हैं, जैसे गाड़ियाँ हैं, वो सरपट दौड़ सकें, तुरंत वहाँ पे पहुँच सकें, इलाज हो सके। आई बाई हेलीकॉप्टर हम इलाज कहीं भी करवाने के लिए उनको लाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में भी पूरे का पूरा निर्माण अलग प्रकार से हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, इन ऑफिसरों को और IPS, तीनों ऑफिसरों को तुरंत मैक्सिमम जम्मू कश्मीर में भेजने का प्रयास करें, मैक्सिमम वहाँ पे लगाने का प्रयास करें। अगर वहाँ पे आ गए तो हमारी गति जो है वो तेज़ हो सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं।
अन्यथा अगर प्रधानमंत्री द्वारा इनकी इस प्रकार का शमशेर सिंह जी अब आप समाप्त करें आपका समय। एक मिनट में, प्रधानमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार का कार्य जम्मू कश्मीर का अपने हाथ में लिया, उन्होंने क्या अपने हमारे कर्ज जन के जिस प्रकार का अपना खजाना खोला हुआ है, उन खजाना खोलकर जम्मू कश्मीर का नया निर्माण करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।